आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। 2022 विधानसभा चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होना था, 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर चल रहा है और इसी कड़ी में 1 बजे तक का टोटल वोटिंग परसेंटेज आ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए कुल 35.51% मतदान हो चुका है। वही सोनभद्र में 35.68% मतदान हो चुका है। वाराणसी में 33.55% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 34.60% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 38.05% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 35.80% मतदान हो चुका है। कुल 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए 35.51% मतदान हो चुका है। मऊ में 37.08% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 34.60% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 35.80% मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। इसी बीच 1 बजे तक कुल 35.51% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए वाराणसी में 33.55% मतदान हो चुके हैं। आजमगढ़ में 34.60% मतदान हो चुके हैं। मऊ में 37.08% मतदान हो चुके हैं। गाजीपुर में 34.15% मतदान हो चुके हैं। चंदौली में 38.45% मतदान हो चुके हैं और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। इसी कड़ी में संवाददाता मिर्जापुर से संतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी तक क्या कुछ मतदान के प्रतिशत है मिर्जापुर में और क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स में? जो मतदाता है उनके अंदर काफी जोश भरा हुआ है, वो अपने मतदान के लिए सजग है और सुबह 7:05 से लेकर अभी तक जगह जगह विभिन्न बूथों पर लाइन लगाकर अपने मत का मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है मुस्तैदी के साथ हमारे सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई अभी तकलीफ नहीं आई। कुछ स्थलों पर ईवीएम मशीन के खराब होने से कुछ देर तक जो है मतदान बाधित रहा, लेकिन अच्छे जो है टेक्निक के कारण जो है मशीन को बनाया गया और तत्काल मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। हालांकि यहां पे अब तक लगभग 35% का मतदान मिर्जापुर जनपद में हो चुका है और शेष अभी जारी है। संतोष, अब मतदान बहिष्कार की भी क्या कोई खबर सामने आ रही है कि कुछ रोड के मुद्दों को लेकर वहां की जनता ने क्या मतदान बहिष्कार भी किया है? जी, मझवा विधानसभा क्षेत्र के कछुआ गाँव में यहाँ पर कुछ गांव ग्रामीण अंचल के लोगों ने जो है विकास यहां पर नहीं हुई थी, सड़क नहीं बनी थी, इसको लेकर जो है अपने नेताओं से नाराज थे और उन्होंने कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर रास्ते को बाधित किया और उन्होंने मतदान न करने की जो है ठानी। हालांकि जिला प्रशासन के कुशाला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको समझा बुझा कर अब उनको मतदान के लिए राजी किया गया है और उनसे वादा किया गया कि उनका कार्य शीघ्र जनसभा कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। उस वक्त क्या जनता ने इनके सामने अपनी डिमांड को नहीं रखा कि वहां पर रोड बनाया जाए, रोड का विकास किया जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री मिर्जापुर में अभी 4 तारीख को जनसभा किया था और जनसभा के दौरान कुछ लोग बाहर से आए थे और अपनी नाराजगी व्यक्त किए थे, कुछ कुर्सियां भी तोड़ी थी, कुछ नारे भी लगाए थे, लेकिन स्थानीय जिला अध्यक्ष और उनके टीमों द्वारा उनको समझाया गया, बहलाया गया और मझवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो वर्तमान विधायिका है सुष्मिता मौर्य, उनका टिकट भी काट दिया गया है। मझवा विधानसभा से निषाद पार्टी से उनका प्रत्याशी खड़ा है जी। अभी जिस प्रत्याशी को वहां से टिकट मिला है उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता को, क्योंकि जिस हिसाब से वर्तमान विधायक के कार्यशैली की वजह से आज मतदान का बहिष्कार करना पड़ा है जनता को, तो जो मौजूदा विधायक है जिनको टिकट दिया गया है उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं मिर्जापुर की जनता को?
देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे विनोद बिंद जी, जो निषाद पार्टी के बैनर तले वो लड़ रहे हैं और वहाँ पे उनकी अच्छी बैठ है, जनता उनको पसंद कर रही है। पिछले 5 सालों तक सुष्मिता मौर्य के कंधे से कंधा मिलाकर जगह जगह पर आपने कार्य किया है, लेकिन सुष्मिता मौर्य से नाराज मझवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से शिकायत लगातार बनी हुई थी और इसी के चलते मझवा विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायिका सुष्मिता मौर्य का टिकट भी काटा गया है और उसकी जगह जो है निषाद पार्टी के बैनर तले विनोद कुमार बिंद को लड़ाया गया है। और क्या कुछ मुद्दे मिर्जापुर के सामने आ रहे हैं कि मिर्जापुर में और कुछ क्या विकास कार्य चाहिए, क्योंकि अभी अनुप्रिया पटेल थोड़ी देर पहले वहां पर वोट डालने पहुंची हुई थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं और बातें बताई कि उन्होंने जो एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने विकास कार्य किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाए, ऐसी कई बड़ी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि 5 की 5 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रही है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के जो वादे और दावे हैं कितने खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए जहां अनुप्रिया पटेल की बात है, मिर्जापुर आजादी के बाद से लेकर अपेक्षा जो है अनुप्रिया पटेल काफी हद तक सार्थक जनता की लोकप्रिय नेता बनी। यहां पर काफी अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं, चाहे वो रेलवे में यहां पर अच्छे खासे ट्रेन नहीं रुका करते थे उसको ठहराव किए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया, सिंचाई के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए, ये सब कई ऐसे कार्य हैं जो अनुप्रिया पटेल के बोल रहे हैं और जनता उनको पसंद कर रही है। अनुप्रिया पटेल की जो एनडीए गवर्नमेंट है वो पिछले 2017 में 5 विधानसभा क्षेत्र में एक उनको मिला था, वो भी 96 से, राहुल कोल जी अपना दल से विधायक है, लेकिन वर्तमान में मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान जो है मंत्री रमाशंकर पटेल जी जो है वो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बैनर तले लड़ रहे हैं और उनके कार्यों के वजह से वहां भी उनको शिकायतों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो संभावना है कि वहां से भी मंत्री जी का चुनाव घोषित हो सकता है। संतोष, महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं मिर्जापुर में, क्योंकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, वो केंद्र में हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ उन्होंने वहां पर विकास किया और उनके क्या कुछ दावे और वादे हैं जिसको लेकर जनता एनडीए गठबंधन और अनुप्रिया पटेल पर खास करके महिलाएं भरोसा दिखाएंगी? बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल जी जो है महिलाओं को लेकर यहाँ पर काफी सजग है, आए दिन यहाँ पर उनके साथ जो है घरों में आना जाना रहता है, परिवार में अपना उन्होंने स्थान बनाया है और यहाँ पर जो है महिला थाना के त्वरित शिकायत की तुरंत कार्रवाई की जाती है, महिलाओं के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम केस होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है, महिलाओं के मान सम्मान को लेकर कानून बनाकर उस पर उन्होंने लगातार वाच किया है और यहाँ पर महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया है। अनुप्रिया पटेल से यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी है तो यहाँ पर बेरोजगारी से, जो वर्तमान सरकार ने जो है इस क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र जो है पथरीली है, पहाड़ी इलाका है, जलप्रपात है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कुछ सिर्फ रोजगार नहीं है, यहाँ पे बेरोजगार शिक्षित युवक जो है वो विभिन्न जनपदों में जाकर विभिन्न प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं लेकिन अपने जनपद में उनको जो है काम नहीं मिलता है, जिसके चलते वो डोर की खोखरे खाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतदान केंद्रों पर बने रहिए, मिर्जापुर से संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने मिर्जापुर का जायजा बताया कि क्या कुछ मिर्जापुर की जनता का डिमांड है। हाल ही में अभी एक खबर सामने आई थी, थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि वहां पर रोड के विकास को लेकर जनता ने मतदान का बहिष्कार किया, हालांकि समझाने के बाद जनता मतदान के लिए मान गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान हो रहा है और 7वें चरण के मतदान के लिए अभी कुल 1 बजे तक 35.51% मतदान हो चुका है। वहीं बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में 35.55% मतदान हो चुका है, आजमगढ़ में 34.60% मतदान हो चुका है, मऊ में 37.08% मतदान हो चुका है, 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, गाजीपुर में 34.15% मतदान हो चुका है, वहीं चंदौली में 38.45% मतदान हो चुका है, भदोही में 35.60% मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 38.05% मतदान हो चुका है, वहीं जौनपुर में
35.80% मतदान हो चुका है। सोनभद्र में 35.68% मतदान हो चुका है। वहीं जौनपुर से भी एक हिंसक झड़प का मामला सामने आया था, जहां पर दो पक्षों में एक हिंसक झड़प हुई थी। आपको बता दें कि जौनपुर से जो बाहुबली धनंजय सिंह है वो चुनावी मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण का चुनाव आज जारी है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। हो चुका है कुल 9 जिलों की 54 सीटों पर सातवें चरण का मतदान हो रहा है। 613 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात 2017 के चुनावी नतीजे की करें तो इन 54 सीटों पर 36 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, 11 सीटें सपा के खाते में, और वही बसपा के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस को एक भी सीट यहां से नहीं मिला था। वही अन्य जो सीटें वहां पर उनके खाते में सिर्फ एक सीट गया था। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी और सातवां चरण का चुनाव आज जारी है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह मतदान चलेगा। सातवें चरण के लिए दोपहर 1 बजे तक 35.51% मतदान हो चुका है। वहीं गाजीपुर में 34.15% मतदान हो चुका है। चंदौली में 38.45% मतदान हो चुका है। भदोही में 35.60% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में 38.05% मतदान हो चुका है। वहीं जौनपुर में 35.80% मतदान हो चुका है। सोनभद्र में 35.68% मतदान हो चुका है। यह पूरे आंकड़े 1 बजे तक के हैं, जो मतदान के प्रतिशत है ये 1 बजे तक के हैं। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। रोजगारी और तमाम विकास के मुद्दों के साथ 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 यह चुनाव संपन्न हो रहा है, और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में संवाददाता कमलेश मऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे और सोनभद्र से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। कमलेश, क्या कुछ जायजा है वहां के मतदान केंद्रों का? जी, अगर आप बता दें, यहाँ मतदान बहुत संपूर्ण और सुरक्षा के साथ और संपन्न से मतदान यहाँ कराया जा रहा है और बहुत बेहतरीन से ये मतदान यहाँ हो रहा है। जी, अगर बात किया जाए तो कहीं से ईवीएम खराब होने की क्या कोई खबर आ रही है? नहीं, अब तक तो ईवीएम खराब की कहीं से खबर नहीं आई है। और एक खबर आई थी वहाँ क्या संस्कृत पाठशाला से, जो बेटे की जगह पे बाप की जगह पे बेटे ने अपने स्थान ले लिया था, तो उसको प्रशासन द्वारा हिरासत में ले लिया गया। सोनभद्र में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी है? सोनभद्र में किस तरह से प्रशासन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है? जी बिल्कुल, बता दूं कि सोनभद्र जो है अति संवेदनशील होने के कारण यहाँ पे पहला मिलिट्री फोर्स के अलावा, पीएससी के अलावा, पुलिस बल के अलावा आसमानी निगाहों से भी तीसरी नजर पड़ी हुई है। हवाई सर्वे हो रहा है, यहाँ पे पूरी शांति व्यवस्था कायम है। जी, सोनभद्र में क्या कहीं से ईवीएम खराब होने की कोई खबर तो सामने नहीं आ रही? जी बिल्कुल, बता दूं कि सुबह में एक जगह घटना घटी, तो आधे घंटे के ईवीएम में आधे घंटे अधिकारी पहुंचे, ईवीएम को तुरंत सही करा दिया गया। जी, और अगर बात किया जाए दिव्यांगजनों की, तो दिव्यांगजनों में क्या कुछ साथ देख रहा है और किस तरह की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर उनके लिए की गई है? देखिए, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है, काफी लोग उत्साहित हैं और कई छोट महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, सब लोग वोटिंग के लिए बहुत इच्छुक हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा वोटिंग ले रहे हैं। जी, सोनभद्र से क्या कहीं मतदान बहिष्कार की कोई खबर तो सामने नहीं आई है? नहीं, सोनभद्र में ऐसी कोई घटना नहीं जहाँ पे मतदान बहिष्कार किया जा रहा हो। जी, अगर हम बात करें लगातार महिला वोट परसेंटेज की, तो महिलाओं का क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? महिलाएं किस तरह से? बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि किन मुद्दों को लेके वोटिंग कर रही हैं। जी नहीं, भाभी जी, भाभी जी आइए। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मीरा गुप्ता। आप अभी वोटिंग करने आई हैं, किन मुद्दों के लेके वोटिंग कर रही हैं? सरकार के लिए। नहीं, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या भाजपा सरकार से आप संतुष्ट है महिला सुरक्षा? जी हाँ, बिल्कुल। माता जी, आप क्या वोटिंग करने आई हैं? हाँ। तो
किन मुद्दों को लेके आई है वोटिंग करने? पहले तो राष्ट्रीय जी नारी के लिए जी नारी सुरक्षा बहुत बढ़ता है, तो भाजपा सरकार से आप संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट। बिल्कुल, कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि महिलाएं जो भी है भाजपा सरकार से संतुष्ट नजर आ रही है। संवाददाता मऊ से कमलेश भी हमारे साथ जुड़े। कमलेश, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मऊ में महिलाओं का क्या कुछ मत है, महिलाएं किस तरह से मतदान केंद्रों पे आ रही है और उनका क्या मुद्दा है जिस पर वो मतदान कर रही हैं? आपको बता दें, महिलाओं के मुद्दा यही है कि हमें विकास विकास और रोजगार के लिए बात हो। महिला बार बार सवाल उठा रही है कि हमें विकास हित विकास कार्य पे अपना मतदान करने के लिए ही कर रही है। मऊ से क्या कहीं वोट बहिष्कार की तो कोई खबर सामने नहीं आई है? जी नहीं, आपको बता दें अभी तक मऊ में कहीं भी वोट बहिष्कार का नहीं आया था, इसीलिए हम। अगर बात किया जाए तो कई दिग्गज और बाहुबली चेहरे वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के पहले ही कई गर्मा गर्मियां सामने आई थी, क्या उन सब से जुड़े हुए कोई खबर तो सामने नहीं आ रही? कहीं से कोई हिंसक झड़प या लड़ाई झगड़े की खबर तो सामने नहीं, या फिर धांधली कोई 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 खबर तो सामने नहीं आ रही है? ये आपको बता दें कि जो दिग्गज पार्टी के हैं वो लोग अभी तक ऐसी कोई घटना और देखने को नहीं मिला कि जो दंगा फसाद हो, एकदम शांति पूर्वक से चुनाव किया जा रहा है। जी, अगर बात किया हमारे साथ कुछ वोटर भी हैं जो लेकर आए हैं, उनसे भी हम थोड़ा पूछते हैं कि क्या लगा और कैसे। जी बिल्कुल कमलेश, आप बात करें मतदाताओं से। आप एक वोटर हैं और वोट लेकर आए हैं, क्या क्या लगा? थोड़ा फोन बदल करिए, खड़े हैं। पहले 25 साल मुख्तार अंसारी सदर पर रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया है? कोई भी कार्य नहीं किया। तो क्या चाहते इस बार? चेंज करना चाहते हैं। चेंज करना चाहते हैं। इन्होंने बताया मैडम कि इस बार 25 साल से जो मुख्तार अंसारी अपना धावज बना चुके थे और इनका कहना है कि इस बार हमें परिवर्तन करना है ताकि यहाँ के सीटों पे बदलना है। जी, अगर हमारे साथ एक महिला भी है जो उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उन्होंने उनका भी क्या रहा है? क्या नाम है? अब तो वोट देखे में कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। तो कैसा विकास चाहिए महिलाओं के लिए, क्या सुरक्षा चाहिए? जी कमलेश, युवाओं का क्या कुछ जोश है और युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में? युवा क्या किन मुद्दों पर वोट करें और खास करके जो युवा पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उनमें क्या कुछ उत्साह है? युवाओं का यही जोश है कि हमें युवाओं रोजगार के लिए ही बार बार सरकार से अपील लगा रहे हैं कि बीजेपी में विगत कुछ दिनों तक रोजगार नहीं था और युवाओं रोजगार के परिवर्तन करने का बना। जी बात अगर सोनभद्र की करें तो सोनभद्र में युवाओं का क्या कुछ मुद्दा है और जो युवा पहली बार वोट करेंगे उनमें क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है सोनभद्र में? बिल्कुल मतलब जो युवा वर्ग है उनके लिए शिक्षा ही बहुत बड़ी मुद्दा है। उनका समस्या ये है कि हम लोग, ये इतना बड़ा सोनभद्र जिला है, सबसे ज्यादा राजस्व होता है, इसके बावजूद भी यदि हम लोग पढ़ने लिए बाहर जाना पड़ता तो बहुत बड़ी कमी है। जी तो क्या कुछ मांग है युवाओं की? शिक्षा को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, स्कूल और कॉलेजेस की मांग है? बच्ची को बुलाइए, बच्ची। बिल्कुल, मैं अभी बात जी मौके पर करा रहा हूँ। जो छात्र उत्साहित हैं उनके लिए कि इनको क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? क्या नाम है आपका? ये बताइए, सोनभद्र सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ की पढ़ाई की फैसिलिटीज ऐसे तो बहुत अच्छी, सीनियर्स प्लीज के लिए और प्रोवाइड। बिल्कुल, यहाँ देखिए, इन्होंने कहा कि पढ़ाई की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सीनियर एजुकेशन की मतलब किसी भी टेक्निकल डिग्री के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी सोनभद्र की समस्या है। जी, आप इनसे ये भी पूछे कि किस तरह की टेक्निकल कॉलेजेस और स्कूलों की मांग है? अगर सरकार बनती, इन्होंने वोट दिया है पहली बार, शायद इन्होंने वोट दिया होगा, तो किस तरह कॉलेजेस की मांग ये कर रही है ये बताइए। जब सरकार किस तरह की, किस टेक्निकल डिग्री, किस तरह की डिग्री आप कॉलेज के स्थापना सोनभद्र में चाहती हैं? लोगों को बाहर जाना नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि कई समस्या है,
इंटर है, ग्रेजुएशन है, लेकिन कोई भी टेक्निकल डिग्री के लिए बाहर जाना था सोनभद्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम, एक युवा का एक अहम मुद्दा है और एक अहम मांग है सोनभद्र की। ये युवा अगर बात की जाए, युवा मतदाता है और शायद ये पहली बार मतदान करने गई होंगी, इनका एक अहम मुद्दा है जो बिल्कुल सरकार को सुनना चाहिए। सोनभद्र हमारे साथ जी, हमारे साथ समाज सेवी रवि गुप्ता जी जुड़े हैं, अभी वोटिंग लेकर गए, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि किन मुद्दों पे आके उन्होंने वोटिंग किया। जी बिल्कुल, आप बात करें। आप मतदान दे कर रहे हैं, किन मुद्दों, क्या मुद्दा है आपका? देखिए अभी फोकस है जो चर्चा शांतिपूर्वक जो पैर, लेकिन सर ये भी है कि किन हिंदू से नहीं मतलब है, यहाँ के बच्चों की चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, ये भी तो चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, वो तो सर प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है, लगेगा। बिल्कुल, मेरे साथ दूसरे अभी ग्राउंड वोटिंग देके आया, उनसे मैं बात करने के प्रयास करता हूँ। जी बताइए कि अभी मतदान करके आए हैं, आपका मुद्दा क्या है, क्या है, किस धर्म से, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? पिछली सरकार ने जो कार्य किया है उसमें जितना पिछड़ा हुआ था हमारा सोनभद्र जिला, उससे आज बहुत आगे बढ़ और उसी क्रम को चाहते हैं कि ये सरकार और बढ़ाए, इसलिए हमने उसी रूप को, उसी को देखते हुए हमने उसको मतदान किया। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे जो चार विधानसभा हैं, चारों में 5 साल भाजपा के विधायक रहे, उनसे उनके कार्यों संतुष्ट हैं या योगी जी और मोदी दीजिए को देख के आप वोटिंग कर? देखिए जो प्रधान जब सही रहेगा तो राजा सही रहेगा तो प्रजा अपने आप, कुछ समय जरूर लगेगा, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, लेकिन हम समय नहीं देंगे कोई भी चीज एक ट्रैक पे, अगर समय नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा, बार बार हम ट्रैक बदलेंगे। कई जगह ये देखने को मिला बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दे पर कई लोगों ने, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? बेरोजगारी और सुरक्षा, जब आप आत्मनिर्भर होंगे खुद से, जब आपके कहावत है सर पे रखे टोकरी तो काहे ढूंढे नौकरी, हम अपना खेत छोड़ कर हम जा रहे हैं दूसरे के नौकरी करना, अपना मालिक होकर हम दूसरे की नौकरी करने जाए, ये मानसिकता जो हमको 70 सालों में मिली है उसको हमको बदलना है। हम खुद में हम सक्षम है, हम कर सकते हैं, क्यों सोच का परिवर्तन करना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। जी बिल्कुल, प्राइम टीवी रविंद्र पांडे सोनभद्र। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता कमलेश मऊ से जुड़े हुए हैं। कमलेश, जो मऊ की युवा है, उनके रोजगार के अपने अलग मुद्दे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे, इन सब से हटकर बात किसानों की जाए तो मऊ में किसानों की क्या स्थिति और किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं? किसान वो जो इस वक्त साढ़ से बहुत काफी बहुत परेशान है, उनको यही कह रहे हैं कि बार बार कि हमें। जी कमलेश, बहुत खराब चल रहा है यहाँ पे। जी अगर बात किया जाए मऊ में, तो मऊ में कई बड़े बाहुबली चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है मऊ की जनता पर? बाहुबली जो चेहरे हैं उनकी लगातार लड़ाइयां, उठक पटक और जुबानी वार और बयानबाजी सामने, इसका क्या कुछ असर वहां की जनता पे देखने को मिल रहा है, मऊ की जनता पर? यहाँ एक से दिग्गज पड़े हुए हैं, ताकि जनता के चेहरे पे और ना तो उनके कोई बयान पे कोई फर्क पड़ रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, अगर बात किया जो दिव्यांग जनों की, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके पेंशन्स की, उनके आवास को लेकर के, तो उनकी उनमें कितना कुछ उत्साह नजर आ रहा है और वो किन मुद्दों पर मतदान केंद्र जा रहे हैं? वो एक विकास के लिए, विकास जो आज यहाँ 25 साल से अब तक मऊ में विकास नहीं हुआ है, उन्होंने यहाँ मऊ का नारा किया है कि बाहरी भगाओ मऊ, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें यहाँ स्थानीय लोकल विधायक चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतदान केंद्रों पर आप बने रहिए और पल पल का जो रिपोर्ट है वो हमारे तक पहुंचाते रहिए। संवाददाता मऊ और सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े थे। सोनभद्र में युवाओं का भी अपने एक अहम मांगे हायर एजुकेशन को लेकर, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लेकर, उन्हें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस चाहिए। जो सोनभद्र के युवा है उनका एक स्पेशल डिमांड है कि उन्हें हायर एजुकेशन के लिए अपने जिले से बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए। अब देखना यह होगा कि जो युवा वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया, अपने भविष्य को लेकर जो भी सरकार बनती है उनके भविष्य के लिए कितना कुछ कार्य
करती है। लगातार उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। वहीं अगर बात किया जाए बड़े चेहरों की, तो कई बड़े चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है, वाराणसी की 8 विधानसभा सीट, मऊ की 4, गाजीपुर की 7, जौनपुर की 9 विधानसभा सीट, मिर्जापुर की 5, चंदौली की 4 विधानसभा सीट, सोनभद्र की 4, वहीं भदोही की 3 विधानसभा सीट पर यह मतदान आज हो रहा है। 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं अगर बात 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो 2017 में बीजेपी के खाते में 36 सीट गए थे, सपा के खाते में 11 सीट गया था, वहीं बीएसपी के खाते में 6 सीट गया था, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, वहीं अन्य के पास 1 सीट गया था। अब देखना होगा कि 2022 का चुनावी नतीजा इन 54 सीटों पर क्या होता है, इन 9 जिलों का जो समीकरण है वो क्या कुछ निकल के सामने आता है, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया। ये लगातार हम आपको अपने संवाददाता के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों के क्या कुछ मत है, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है। वही हमारे संवाददाता जौनपुर से अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, जौनपुर में मतदान की क्या स्थिति है और कहीं से कोई ईवीएम खराब होने की खबर तो सामने नहीं आ रही है? छुटपुट घटना सामने आ रही है ईवीएम की, कहीं आधे घंटे बाधित रहा ईवीएम खराब होने की वजह से, और फिर चालू हुआ सुचारू रूप से, और 1 बजे तक 37% लगभग मतदान जौनपुर जिले में हो चुका है। जी, अगर बात किया जाए कहीं से वोट बहिष्कार की, तो क्या जौनपुर से कहीं अभी तक वोट बहिष्कार की तो खबर नहीं सामने आ रही है? फिलहाल तो जौनपुर से वोट बहिष्कार की कहीं से कोई खबरें नहीं आ रही है। जी, अब एक हिंसक झड़प की भी खबर सामने आई थी, उसके बाद से प्रशासन किस तरह से अलर्ट है जौनपुर में और किस तरह से प्रतिबद्ध होकर मतदान करवा रहा है? हिंसक झड़प एक जो जगह हुई थी शुरू में, उसके बाद कोई झड़प की घटना पूरे जौनपुर में सामने नहीं आ रही। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पैरामिलिट्री की फोर्स बूथों पर लगी हुई है, क्षेत्रीय पुलिस और अन्य पुलिस भ्रमण क्षेत्र में लगातार कर रही है, फिलहाल चुनाव सामान्य रूप से चल रहा है। जी, अगर बात किया जाए युवा वोटर्स की, खास करके जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनके क्या कुछ मत निकल के सामने आ रहे हैं और उनके क्या कुछ मुद्दे अहमद सामने आ रहे हैं? जी, युवाओं जो है रोजगार को लेकर उठ कर रहे हैं, पहली बार मतदान कर रहे हैं, वो रोजगार, बढ़िया रोड, इसको लेकर, बढ़िया शिक्षा को लेकर, जी इसको लेकर मतदान कर रहे हैं युवा। मुद्दे हैं जौनपुर में अहमद, क्या कुछ और विकास चाहिए जौनपुर की जनता को? जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज जो पिछली सपा सरकार ने दिया था वो आज तक बन के तैयार हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन उसमें ओपीडी तक चालू नहीं हो पाई है। जी। लोग कहीं ना कहीं उस मेडिकल कॉलेज को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी अब समझ में आ रहा है कि लोग जाति देख कर या वोट कर रहे हैं। जी, जौनपुर में अहमद जातिगत समीकरण क्या है, जो जातिगत एक पर्टिकुलर वोट है वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, किस जाति के, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ वोटर ने बात की तो इसे बता रहे थे कि पिछली सरकार के काम से हम संतुष्ट है, कुछ कह रहे थे नहीं है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि लोगों से बात करने पे कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी जौनपुर में हावी हो गया है विकास के साथ साथ। गठबंधन का क्या कुछ असर देखने को जौनपुर में मिल रहा है, जो गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की पार्टियां हैं उनके जो वोट्स है, टिकट्स है, उनपे क्या कुछ उनका असर देखने को मिल रहा है और गठबंधन कितना मजबूत जौनपुर से दिख रहा है? फिलहाल तो कोई खास प्रभाव गठबंधन का जौनपुर जिले में नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे भाजपा और अपना दल एस के गठबंधन से आर के पटेल मरियाहों से लड़ रहे हैं, और जगदीश नारायण राय जफराबाद से जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से प्रत्याशी हैं, सपा से गठबंधन उनका है, और शाहगंज से निषाद पार्टी से रमेश सिंह हैं, जो ललई यादव 4 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं फिलहाल शाहगंज में। जी, अगर बात ललई यादव के कार्यकाल की करें तो ललई यादव ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास किया है, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं? कि ललई यादव के तो विकास कार्य क्या किया है ये आने वाली 10 तारीख को ही पता चलेगा, जनता तय करेगी, लेकिन ललई द्वारा कहा गया कि हमने 20 साल में शाहगंज में अनेक कार्य किए, इस सरकार में कुछ कार्य नहीं हुए, बार बार प्रस्ताव देने के बाद भी सरकार विपक्ष के विधायकों का काम नहीं किया, इसलिए इस बार कार्यकाल पिछले 5 साल में शाहगंज में विकास जितना होना था उतना नहीं हो सका, लेकिन उनको भरोसा कि जनता उनको फिर मौका देगी और शाहगंज का विकास वो फिर करेंगे। अगर जनता इस बार उनको मौका देती है और उनकी सरकार बनती है तो क्या कुछ दावे और वादे हैं इनकी जौनपुर की जनता से, क्या कुछ कार्य जौनपुर की जनता के लिए करेंगे?
प्रयागंज में सबसे बड़ी समस्या जो है जाम की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनती है और जनता मुझे मौका देती है तो हम शाहगंज में एक बाईपास बनाएंगे और शाहगंज को जिला घोषित कराएंगे और बंद चीनी मिल को दोबारा चालू कराएंगे। उन्होंने जनता के बीच में ये वादे किए कि अगर सरकार बनती है आप हमें दोबारा मौका देते हैं तो ये प्रमुख तीन काम सबसे पहले मैं करूंगा। जौनपुर के और क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट दे रही है और जिन मुद्दों पर जनता को विकास चाहिए? बिजली, पानी, सड़क जो प्रमुख मुद्दे यही है और शिक्षा और मेडिकल, ये प्रमुख मुद्दे हैं जौनपुर के। जनता फिलहाल इन्हीं को लेकर वोट कर रही है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर हम तक, सारी एक एक खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अहमद हमारे संवाददाता, अहमद हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटों से कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। धनंजय यादव, ललई यादव, लकी यादव सब चुनावी मैदान में है और सब अच्छी राजनीतिक प्रतिष्ठा रखते हैं। देखना यह होगा कि जनता इनकी किस्मत का क्या फैसला करती है। जौनपुर की जनता के भी अपने अहम मुद्दे हैं, सड़क का, विकास का, शिक्षा को लेकर कई अपने अहम मुद्दे हैं। बजे तक 35.51% उत्तर प्रदेश में मतदान हो चुका है। चंदौली में 38.45% मतदान हो चुका है। भदोही में 35.60% मतदान हो चुका है। वहीं मिर्जापुर में 38.05% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 35% मतदान हो चुका है। गाजीपुर में 34.15% मतदान हो चुका है। कुल 35.55% मतदान उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक हो चुका है। सातवें चरण के लिए मतदान जारी है, सातवां और अंतिम चरण। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में दी है। और पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील तक जनता के